महाराष्ट्र से उपमुख्यमंत्री, मैं थोड़ा हिंदीत बोलतो म्हणजे बाहेरूनला लोकांनाही पण कळेल। महाराष्ट्र के लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, पर्यटन मंत्री आदरणीय गिरीश महाजन जी, हमारे सांसद श्री कृपाल तुमाने, श्री रामदास तड़स जी, हमारे नागपुर के विधायक मोहन मते, पूर्व मंत्री सुलेखाताई कुंभारे, मेट्रो के प्रमुख श्रावण हर्डीकर, शेयर मार्केट में जिनका बहुत बड़ा नाम है, ऐसे हमारे आमंत्रण पर आए हुए आनंद राठी जी, हमारे नागपुर के ही प्रसिद्ध उद्योजक बिल्डर अतुल गोयल, हमारे ज्येष्ठ उद्योगपति सुरेश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे आयोजन समिति के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाई और बहनों, सबसे पहले जो एडवांटेज विदर्भ ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इसमें नेशनल लेवल के, इंटरनेशनल लेवल के बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, एक्सपर्ट, हमारे भारत सरकार के मंत्री, हमारे कोल सेक्रेटरी, कोल इंडिया के चेयरमैन, अनेक इंस्टीट्यूशन के जो चेयरमैन हैं, और विशेष रूप से हमें इन्वेस्ट करने के लिए आए हुए इन्वेस्टर्स, और इन सब को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, ताकि उनके सहयोग के कारण ही ये कार्यक्रम यशस्वी हुआ है। सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि ये एडवांटेज विदर्भ का उद्दिष्ट क्या है, और यह अभी उद्दिष्ट यही है कि विदर्भ का नाम अगर दुनिया में प्रसिद्ध है, तो जहाँ 10,000 किसानों ने आत्महत्या की, वो रीजन विदर्भ, इस नाम से हमें वर्ल्ड में प्रसिद्धि मिली। हमारा विदर्भ सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दूसरे अनेक जगह पर पिछड़ा हुआ है। गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट और वाशिम डिस्ट्रिक्ट, ये एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आते हैं, और इसलिए विदर्भ का विकास हो, विदर्भ में किसान आत्महत्या न करें, विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिले, विदर्भ समृद्ध बने, संपन्न बने, शक्तिशाली बने, और यहाँ के लोगों को एक सस्टेनेबल जीवन मिले, इसी उद्दिष्ट के साथ एडवांटेज विदर्भ का आयोजन हुआ है। लोग ये पूछेंगे कि बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, वो टर्नओवर बढ़ाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे, तो इसमें लोगों का भला कैसे होगा? तो सबसे पहली बात यह है कि जो वेल्थ क्रिएटर है वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है, और अगर हमें एम्प्लॉयमेंट अगर खड़ी करनी है, तो हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी, इंडस्ट्री आएगी, तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होगा तो गरीबी दूर होगी, और इसलिए सुखी, समृद्ध और संपन्न विदर्भ की, भविष्य की कल्पना जो है, उसमें विदर्भ का औद्योगिकरण होना चाहिए, विदर्भ की कृषि जो है उसमें उत्पादन बढ़ना चाहिए, विदर्भ से एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, विदर्भ के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, तभी विदर्भ का विकास होगा। और इसलिए मैं नागपुर का सांसद होने के नाते, मुझे बहुत लोगों ने आग्रह किया कि ये रोजगार का विषय जो है, इसमें आप कुछ तो भी करिए। मैं 10 साल अभी पूरे करूँगा, तो मैंने तय किया था कि 10 साल में, देवेंद्र जी भी मेरे साथ थे, हमने दोनों ने तय किया था कि हम मिहान में 1,00,000 युवाओं को रोजगार देंगे, और आज मुझे खुशी है कि हमने 68,000 लोगों को मिहान में डायरेक्ट रोजगार मिला है, और मेरा विश्वास है कि 1 साल के अंदर और एडिशनल 50,000 लोगों को मिहान में रोजगार मिलेगा, तो 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा, तो यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो है 49, उन कॉलेज में तैयार हुए लड़कों को, विद्यार्थियों को यही रोजगार मिलेगा, फिर उनको पगार अच्छा मिलेगा, तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो वो घर बांधेंगे, घर बनाएंगे, घर बनाएंगे फिर रेस्टोरेंट में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे तो रेस्टोरेंट चलेगा, और रेस्टोरेंट चलेगा तो वेटर को और शेफ को काम मिलेगा, तो सावजी का भी दुकान उसी समय चलेगा जब लोगों के जेब में पैसा है। अगर लोगों के जेब में पैसा नहीं है,
तो विकास नहीं हुआ तो कहाँ से इकोनॉमी चलने वाली है। और इसलिए विदर्भ समृद्ध संपन्न बने, यही भावना इसके पीछे थी। मुझे बहुत खुशी है कि ये ऐसा कार्यक्रम पहला हुआ है बहुत दिनों के बाद, जिसमें हमारे नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, VNIT के प्राचार्य डॉक्टर पडोले, हमारे जो हमारा IIM है उसके डॉक्टर मेटी और उनके साथ हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी प्राचार्य, इन लोगों ने इसमें इंडस्ट्री और कॉलेज यूनिवर्सिटी इसके बीच में कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन कैसे हो, इसका सबसे अच्छा इस कन्वेंशन में विचार हुआ। आज मैं सुबह माइनिंग इंडस्ट्री के वर्कशॉप में था और वहाँ एक प्रभाकरण करके गढ़चिरौली में काम कर रहे, जम से 8-10 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आयन और हमारा सबसे अच्छे क्वालिटी का है और हमारी इच्छा है कि हमारा गढ़चिरौली ये हमारे स्टील मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हब बने। और मेरा विश्वास है कि 5 साल के अंदर गढ़चिरौली ये हिंदुस्तान का दूसरा बहुत बड़ा स्टील नगर बनेगा और कम से कम 1,00,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट गढ़चिरौली में आएगी। तो आज मैंने उनको कहा कि भाई वो कह रहे थे हमको मैन पावर चाहिए, तो मैंने गोंडवाना यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ से ट्रेन लड़के आपको कैसे चाहिए बताइए, आपको वहाँ मिलेंगे। आज इस कॉन्फ्रेंस में लॉजिस्टिक वाले आए, इसमें टेक्सटाइल वाले आए, फिशिंग वाले आए, हमारे मिल्क इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, कोल गैसिफिकेशन की बहुत अच्छी चर्चा हुई, डिफेंस पर डिफेंस मिनिस्टर आए उनके साथ चर्चा हुई, पर्यटन के ऊपर गिरीश महाजन आए, पर्यटन के सब होटल्स इंडस्ट्री और उनकी अच्छी चर्चा हुई। कोल का विदर्भ में महाराष्ट्र के 75% मिनरल्स है, 80% फॉरेस्ट है और इसलिए मुझे खुशी है कि कोल गैसिफिकेशन और कोल गैसिफिकेशन से मेथेनॉल बनाना और अमोनियम नाइट्रेट बनाना और DME बनाना और DME 30-40% तक LPG में डालना, ये कितने बड़े इंडस्ट्री है जिसके देश की आयात हमारी कम होगी और हम एक प्रकार से गैस सिलेंडर सस्ता मिलेगा। मिथेनॉल के ऊपर डॉक्टर सारस्वत यहाँ आए थे, नीति आयोग के मेंबर, और मैंने कोल इंडिया को और वेस्टर्न कोल फील्ड को अपील की कि आपके ट्रक और आपकी मशीनरी अब मिथेनॉल पे चलाइए, डीजल 110 रुपये लीटर है और मिथेनॉल 22 रुपये लीटर है। अशोक लेलैंड ने अपने ट्रक इसके ऊपर लॉन्च किए हैं। तो आज हमारे यहाँ भद्रावती के ताड़ोबा के क्षेत्र में जंगल के अंदर कोल बेड मिथेन है, तो अलग अलग प्रकार की जो लो क्वालिटी कोल में गैसिफिकेशन कोल का हो सकता है, स्टील जो आयन और गढ़चिरौली में उसके बारे में माइनिंग के बारे में चर्चा हुई, मैग्नीज हमारे यहाँ है उसके बारे में चर्चा हुई, टेक्सटाइल यूनिट अमरावती में 15 से ज़्यादा यूनिट अच्छा काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हो रहा है, टेक्सटाइल के बारे में अच्छी चर्चा हुई। और इतना ही नहीं तो डेयरी और फिशिंग के बारे में, स्वीट वाटर एंड सॉल्ट वाटर के प्रॉन्स विदर्भ में कैसे हो, उसका एक्सपोर्ट कैसे हो, इसकी चर्चा हुई। जो विदर्भ में सक्सेसफुली काम कर रहे हैं उनका चरित्र सब लोगों के सामने आए ताकि उनको प्रेरणा मिले, ऐसे किताब का भी विमोचन हुआ। मुझे विश्वास है कि एक बहुत ये विदर्भ का विकास ये कोई इतना आसानी से होने वाला काम नहीं है, इसके लिए समय लगेगा, सब लोगों का सहयोग लगेगा। राज्य सरकार का सहयोग करने के लिए देवेंद्र जी ने अनेक इशू अपने हाथ में लिए, पर्यटन के लिए उन्होंने हमें यहाँ एग्रो कन्वेंशन सेंटर के लिए 250 करोड़ रुपए दिए जो यह बनने की शुरुआत हो रही है, जो हमारा ये जो विशेष रूप से गोसीखुर धरण है इसमें जो अंबोरा है वहाँ केबल स्टेट ब्रिज बना, वो तो मैं एफिल टावर जैसा देखता हूँ, वहाँ कैप्सूल लिफ्ट लगाई है। अब देवेंद्र जी ने 300 करोड़ रुपए दिए, मुझे लगता है कि विदर्भ का एक बहुत बड़ा टूरिस्ट वहाँ बन रहा है। टेक महिंद्रा के अभी महिंद्रा रिसोर्ट के जो चेयरमैन थे गुरनानी, उनको मैंने कल वहाँ भेजा और कहा कि महिंद्रा का रिसोर्ट वहाँ खोलो, 5-स्टार होटल वहाँ कम से कम खोलो, रेस्टोरेंट खोलो, ताकि हमारे यहाँ पानी के ऊपर वाटर ट्रांसपोर्ट, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स ये सब वहाँ शुरू हो गए। वहाँ पानी के अंदर बेट है,
बेट के ऊपर 5-स्टार होटल बनाने की योजना है, बोटिंग होगा। तो विदर्भ में टाइगर कैपिटल है और इसलिए विदर्भ से नागपुर से 350 टाइगर आते हैं। नागपुर जीरो मील है। लॉजिस्टिक के लिए देवेंद्र जी ने 1200 करोड़ रुपए दिए। आज उसकी लॉजिस्टिक में चर्चा हुई कि हमारे सिंधी में जो ड्राईपोर्ट हुआ है, मैं मजाक में कहता हूँ कि मुंबई का समुंदर सिंधी तक आ गया है नागपुर से आधे घंटे पे। अब वर्ल्ड में कहीं भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करना है तो वहाँ से शुरू हो जाएगा। वहाँ 1200 करोड़ रुपए दिए और पूरे देश का एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक कैपिटल नागपुर बने और इसलिए अभी 1200 करोड़ रुपए के वहाँ लॉजिस्टिक के अलग अलग प्रकार के गोडाउन बनाने की योजना चल रही है। तो इन सब बातों से विदर्भ में रोजगार निर्माण होगा। विदर्भ में जो हमारे कॉलेजेस है, इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटीज़ है, ये हमारे युवाओं को स्किल और इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग देंगे और जिनको ट्रेनिंग मिलेगा उनको यही रोजगार मिलेगा। रियल इस्टेट के बड़े बड़े प्लेयर्स आए थे, दुबई से आए थे, वो यहाँ बड़ी बड़ी स्कीम्स तैयार करना चाहते हैं। तो एक प्रकार से हमारे विदर्भ की डेवलपमेंट हो, इसके लिए एक बहुत अच्छा प्रयास ये 3 दिन में हुआ। काफ़ी चर्चाएं हुई, काफ़ी लोगों के स्टॉल यहाँ रखे, नई नई टेक्नोलॉजी के स्टॉल रखे हैं। और विदर्भ की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है और वीकनेसेस का कन्वर्शन स्ट्रेंथ में कैसे हो सकता है और विदर्भ शक्तिशाली कैसे हो सकता है, विदर्भ का एक्सपोर्ट कैसे बढ़ सकता है। मुझे याद है कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो हरगोविंद बजाज जी VIA के अध्यक्ष थे और हंसराज गजबीय शायद उस समय सेक्रेटरी थे। तो कस्तूरचंद पार्क पर एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन हुआ था और स्वाधीनता के 25 साल पूरे हुए उसके उपलक्ष्य में, और तब मैं स्कूल में था तो मैं वहाँ दिन भर घूम रहा था। तब मेरे समझ में आया कि एग्जीबिशन में कितनी नई जानकारी मिलती है। ये मुझे खुशी है कि ये पूरे एडवांटेज विदर्भ में रोज हजारों विद्यार्थी इंजीनियरिंग करके हमने प्रयास किया, हमको अनवांटेड लोग यहाँ आया ऐसा नहीं लग रहा था कि प्रदर्शन भरा है चलो देखने के लिए चलो, ये भीड़ नहीं चाहिए थी। हमने केवल इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज को ही इसमें जोर दिया, यूनिवर्सिटी को, प्राचार्यों को बुलाया। कॉलेज के 12 इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टॉल इसमें हैं, उन्होंने क्या क्या इन्वेंशंस किए, रिसर्च किए, नए नए प्रयोग किए। तो पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़के लगातार LIT से लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज के सब लड़के यहाँ रात दिन आए, उन्होंने निश्चित रूप से वो हमारे कल के भविष्य के एंटरप्रेनर हैं। हमारे यहाँ बड़े बड़े उद्योग आए, डिफेंस से लेकर सब में, इसमें कहाँ अपॉर्चुनिटी है इसकी चर्चाएँ हुई। और मुझे लगता है कि ये बहुत लंबा विषय है। इस बार हमारे आशीष काले और विजय शर्मा इनके नेतृत्व में एक नई टीम जिसने बहुत अच्छा काम किया, थोड़ा उनका पॉजिटिव कॉन्फिडेंस थोड़ा कम था, उनको नहीं लगा कि इतना रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे विश्वास था। तो मैंने उनको कहा कि तुम और अगले बार थोड़ा बड़ा करिए और एक एक सेक्टर में, जैसे CIA की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक एक सेक्टर की पूरी ग्रुप तैयार हुआ है और वो एक एक सेक्टर में टेक्सटाइल का ग्रुप, डिफेंस का ग्रुप या मिल्क इंडस्ट्री का ग्रुप, फिशिंग का ग्रुप, लॉजिस्टिक का ग्रुप या इस प्रकार के ग्रुप बनाकर फिर वो पूरी तरह से उसका प्लान करें। और यहाँ इन्वेस्टर भी आए, बैंकर्स भी आए और यहाँ आकर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। और अभी स्टार्टअप के लिए कितने लोगों ने पैसे दिए, काफ़ी लोगों के एग्रीमेंट हुए हमारे स्टार्टअप के लिए। चौधरी जी ना, शशिकांत चौधरी बैठे यहाँ, इन्होंने, मुझे नहीं लग रहा था, काफ़ी इन्वेस्टर आए और हमारे यहाँ के अनेक स्टार्टअप को उन्होंने इन्वेस्टमेंट दी। तो एक प्रकार से ये जो प्रयास था, ये पहला प्रयास था, ये काफ़ी यशस्वी हुआ। अगले साल और अच्छे भव्य प्रमाण पर हम इसको करेंगे। देवेंद्र जी और मैं विशेष रूप से उसमें पहले से और ज़्यादा ध्यान देंगे और निश्चित रूप से विदर्भ की प्रगति और विकास में थोड़े जो ऑब्स्टेकल्स कहीं आते होंगे उसको दूर करेंगे। जो जो सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार की पॉलिसी है उसमें जो जो हम बदलाव कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। और विदर्भ के विकास की ये जो ट्रेन है जो पैसेंजर की रफ्तार से दौड़ रही है उसको बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने का काम करेंगे। और ट्रेन दौड़ेगी तो रोजगार मिलेगा, गरीबी दूर होगी, विदर्भ का विकास होगा,
एग्रीकल्चर, रूरल, ट्राइबल सब सेक्टर बदलेंगे और फिर कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा, गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी कम हो जाएगी। यही उद्दिष्ट इसके पीछे था। बहुत अच्छी सफलता इसमें मिली है, बहुत अच्छा सहयोग सबका मिला है और अलग अलग विदर्भ की जो स्ट्रेंथ है, कोल है, मैग्नीज है, इसके ऊपर विशेष रूप से अच्छे सेशंस हुए, डिफेंस पर अच्छे सेशंस हुए, टेक्सटाइल पर अच्छे सेशंस हुए। अगले बार हम ये करेंगे तब एक एक जिले का अलग पैवेलियन बनाएंगे, अकोला, बुल्ढाणा, वाशिम, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, वहाँ के लोगों को उसमें लाएंगे और उस पैवेलियन में हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा विकास का केंद्रीयकरण नहीं होना चाहिए, विकास का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। केवल नागपुर का विकास करना हमारा मकसद नहीं है, तो गढ़चिरौली का और वाशिम का विकास करना भी हमारा मकसद है। और इसलिए विकास का विकेंद्रीकरण करने के लिए ये जो अभी देवेंद्र जी ने गढ़चिरौली में एयरपोर्ट के लिए जगह निश्चित की है, 4 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बन रही है, निश्चित रूप से अकोला में अब एयरपोर्ट के लिए जगह निश्चित हुई, अमरावती के एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग हो गया, तो आने वाले समय में हमारे यहाँ हम विदर्भ का मीन्स ये पूरे विदर्भ के जिलों का कैसे विकास कर सकते हैं। एक मदर डेयरी हमने यहाँ लाई, मदर डेयरी आप 5 लाख लीटर दूध लेती है, पर उन्हें दूध का भाव बढ़ा दिया तो यहाँ के जितने लोग थे उनको भी अपने दूध के भाव बढ़ाने पड़े, तो किसानों का फायदा हुआ। अभी मदर डेयरी का 450 करोड़ का प्लांट बूटीबुरी में आ रहा है और कल्पना है कि विदर्भ में 30 लाख लीटर दूध होगा और किसान समृद्ध संपन्न हो गए और मदर डेयरी श्रीखंड, गुलाब जाम और रसगुल्ले, पनीर, चीज सब यही बनेगा और केवल हिंदुस्तान में नहीं तो दुनिया के देशों में यहाँ से एक्सपोर्ट होगा। यहाँ प्रॉन्स तैयार होंगे, प्रोसेसिंग होंगे, पैकेज होंगे, हमारे पूरे दुनिया में जाएंगे, हमारा संतरा पूरा दुनिया में जाएगा। तो एक प्रकार से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, फिशिंग का एक्सपोर्ट, इसके लिए एक उसको जोड़ने वाली सबॉर्डिनेट सिस्टम्स एक हमको खड़ी करनी पड़ेगी और उसके लिए एक पॉजिटिविटी के साथ एक अच्छा एटमॉस्फेयर खड़ा करना होगा। और सबसे आखिरी में महत्वपूर्ण बात है, एंटरप्रेन्योरशिप खड़ी करनी पड़ेगी। हमारे पास सब प्रकार के कोर्सेस हैं पर एंटरप्रेन्योरशिप का कोई कोर्स नहीं है। हिम्मत चाहिए, 500-500 करोड़ के उद्योग डालने के लिए हिम्मत चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। और एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे कार्यक्रमों से बननी चाहिए, इसीलिए विदर्भ में जिनकी सक्सेस स्टोरी है उनका एक किताब भी विजय जी ने अध्ययन करके तैयार किया है ताकि उनके जैसा हम भी बने। अब वो कुछ बहुत लोगों के नाम लेने लायक है पर अभी पहले बार हुआ, अगले बार और लोगों को जोड़ेंगे और मेरा विश्वास है कि विदर्भ इस प्रकार से समृद्ध संपन्न बनेगा, विदर्भ में इन्वेस्टर्स आएंगे, विदर्भ में बड़े बड़े एंटरप्रेनर्स आएंगे और विदर्भ के समृद्धता में, संपन्नता में और विकास में उनका योगदान होगा और ये वेल्थ क्रिएटर नहीं तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर होंगे, ये हमारा दृढ़ विश्वास है। क्योंकि जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगी, तब तक एम्प्लॉयमेंट खड़ा नहीं होगा और जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तब तक रोजगार अगर नहीं मिलता है तो गरीबी दूर नहीं होगी। जिस शहर में एक बड़ा इंडस्ट्री आती है उस शहर की तस्वीर बदल जाती है। हम विदर्भ की इस तस्वीर को बदलना चाहते हैं और ये पहले प्रयोग के रूप में बहुत अच्छा समर्थन आप सब लोगों ने किया है, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इसमें एडवांटेज विदर्भ में, हमने विदर्भ के 10 सांसद जो है, जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको आयोजक के रूप में उनके फोटो सामने लगे कि भाई वो हमारे विदर्भ के विकास के लिए हमारे प्रतिनिधि है और उनके मार्गदर्शन में हम लोग एडवांटेज विदर्भ कर रहे हैं। और इसलिए ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री एसोसिएशन को इकट्ठा किया। पहले मेरे मन में था कि जैसे खासदार क्रीड़ा महोत्सव हुआ, खासदार सांस्कृतिक महोत्सव हुआ, एग्रो विजन विदर्भ लेवल पर होता है, वैसे उद्योग महोत्सव नागपुर के लिए करना, पर यह करने से फिर एक होता है कि सब लोग भूखे रहते तो अच्छा रहता है पर एक जगह अच्छा होता है तो बाकी लोग बहुत नाराज होते कि हम क्या है, हमने क्या गुनाह किया। तो बहुत लोग मुझे बोलते थे कि भाई आप नागपुर क्यों कर रहे हो, आप हमारे नहीं हो क्या। तो इस बार हमने ये कोशिश की कि विदर्भ के पूरे एसोसिएशन को इन्वॉल्व करें, विदर्भ के सांसदों को इसका नेतृत्व दें
और देवेंद्र जी और मैं मिलकर इनके सबके पीछे खड़े रहे और ये कार्यक्रम करें। नागपुर यूनिवर्सिटी का बहुत अच्छा सहयोग मिला, VNIT का मिला, इंजीनियरिंग कॉलेजेस का मिला, IIM का मिला, और इन सब लोगों ने बहुत टेक्निकल इनपुट्स हमारे कार्यक्रम में दिए और इसलिए इसकी सफलता हुई है। उन सब के प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जिस टीम ने एडवांटेज विदर्भ का ये यशस्वी कार्यक्रम किया है, आशीष काले और विजय शर्मा और उनके सभी साथियों को हृदय से, सबका नाम लेना संभव नहीं है, इसलिए उनके साथ जितने लोगों ने मदद की, जितने एसोसिएशन ने मदद की, जिन जिन लोगों ने अलग अलग सेक्टर वाइज मदद की, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। ABP माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।